बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। अब मेरे साथ में मेरे साथी खिलाड़ी और मेरी टीम में आने के बाद में बहुत सारे मैच खेले हुए और जाकिर चांदेड़ उनसे मैं पूछूंगा। पहले आपका बहुत लंबा रनअप था लेकिन आपने पिच को भाप लिया और जैसा इन्हें चैंगल बॉलिंग करते हैं वो हिसाब से यहाँ पर बॉल किया। आपने जो गोरी स्टार के सामने जो मैच था उसमें वो धाकड़ बैट्समैन सैफ गोरी जो हमारे टीम के सामने मैच था उसके सामने जो बोले खिलाई वाकई दिमाग से बॉलिंग डाला हुआ गेम था वो, और उस चीज के लिए मैं आपकी तारीफ करूँ। और आपको ये टूर्नामेंट कैसा लगा और आपकी बॉलिंग में राज बताइए जरा, उसे बॉलिंग डाली आपने दो दो मैच में बरोबर ध्यान दिया उसका राज बताइए। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था ये, हमारे को बहुत खुश नसीब था यहाँ पे आने का। और जाकिर जी शर्माते बहुत है, मैदान में अपना खेल दिखाते हैं, शर्माने में बहुत अच्छे हैं। अब हमारे जाने माने खिलाड़ी इनू जी चांगल आइए, आप आइए आइए, दो मिनट, रोज खेलने वाले खिलाड़ी उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, बहुत ही शर्म करिए। चलो जाने दो, अब एक युवा सितारा उभरता हुआ खिलाड़ी हैंडसम बॉय और सबसे अच्छा खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में क्लासिकल क्रिकेट खेलने वाला जुबेर गोरी, दो शब्द कहिए कि कैसा फील हुआ और कैसा लगा इस टूर्नामेंट में खेल के आपको। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट करवाया मैनेजमेंट वालों ने, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि अपना समाज का भी एक टूर्नामेंट हो और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट करवाया, इतना काबिले तारीफ स्टेडियम आज तक मैंने खेला नहीं इस स्टेडियम में, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट का। और मामा ने हमको बुलाया, हम पे विश्वास जताया और हमने भी अच्छा परफॉर्म किया। पहले मैच में डिफिकल्ट हुआ क्योंकि हम सीमेंटेड पट्टी पे खेलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे कोच जाकिर चाचा, इरशाद भाई, सदाम भाई, सोहेल भाई, आकिब भाई सब ने मेरे को समझाया कि ऐसे खेलिए, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया और अगले मैच में अच्छा खेले हम लोग और जीते। जुबेर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट दो शब्द में आकिब चांगल से बात करूंगा क्योंकि ये अपने तेली बिरादरी में ओपनिंग जोड़ी के लिए बाकी फेमस जोड़ी है क्योंकि मैं तो हर मैच जानता हूँ, उनको देखा हूँ, खेलता हूँ, इसके लिए आकिब से पूछूंगा कि कैसा इस टूर्नामेंट में फील हुआ। आपकी स्टार्टिंग से ही सेटिंग रहती है क्या चौके छक्के मारने की और चलते ही आप यूनिवर्सिटी भी मार देते हैं, कहाँ से भी कट खेल देते, आदत पड़ गई है क्या मैदान में चारों बाजू रन बनाने की? अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट में ना रन मायने रखते, जब ना खेलते तब खेलते हैं ना तो रन मायने रखते हैं, जब अपन को बैटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है तो सारे शॉट खेलने पड़ते हैं, इसलिए हमने ट्राई किया। पहले में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, फिर धीरे धीरे अच्छा होता, फिर हम जीत गए। अच्छा सब प्लेयर ने अच्छा किया इसलिए हम जीत गए, और मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था और बहुत ही अच्छी सुविधा दी हमको। माशाल्लाह सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया, टीम मैनेजमेंट का सभी का शुक्रिया। अभी बात करिए आप,